आज हम मल्टीफंक्शनल हेडकेयर को दोबारा से लेंगे, क्योंकि इसका बहुत से लोगों ने फोन कॉल्स किए हमें कि सर इसके बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में हमें दोबारा से बताएं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वे में बताते थे कि इसको कॉम के रूप में यूज करना है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बताते थे। लेकिन जब डॉक्टर फ्रीदा की क्लास हुई तो उन्होंने जब इसके लेजर के एक्टिवेशन के बारे में बताया और उसके साथ साथ इसके हर टाइप से यूजर्स के बारे में बताया, तो लोगों को लगा कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। डेफिनेटली, तो आज उन सब चीजों के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को न्यूट्रल करने में हेल्प आउट करती है, और इनडेफिनेबल पेन और हिकअप उनके लिए भी काम करती है, हेडेक के लिए, इंसोमिया, ड्रीमलीनेस, फ्यूरी, टिंटिसनेस, गानों में जनजनाहट होना, ये सर बहुत सारी चीजों के ऊपर ये काम करता है ये प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट आपको जैसे वॉकिंग, बेयर फुट, इजी वेज टू बैलेंस योर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करना है, फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट विद वाटर, टेक यूज ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंसिंग ट्रीटमेंट अपार्टमेंट, ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद मल्टी फंक्शन हेडकेयर अपरेटस को हम अगर बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में, और इसके लेजर और वाइब्रेटिंग मसाज मोनो चिप मैनेजमेंट के साथ आपको वो हर चीज प्रोवाइड करती है जो आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के लिए जरूरी होती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और कैसे ये काम करती है उसके बारे में आज आपको मैं यहाँ से लिटरेचर से पढ़कर ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, एंटी एजिंग और कोल्डनेस और इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करता है, और लेजर के इफेक्ट रिमार्केबल हो सकते हैं, रिमार्केबल। आपने पहले, आज की डेट में हम लेजर थेरेपी भी करते हैं, लेजर थेरेपी, लेजर के साथ ऑपरेशंस भी किए जाते हैं कंडक्ट, आपको शायद मालूम हो। तो लेजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्किन टेक्सचर को भी नॉर्मल बनाने के लिए, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ये बहुत ही मल्टी मल्टी यूजेस में आते हैं, माइग्रेन, हेडेक, सर्वाइकल, आपके बीपी को न्यूट्रल करने के लिए, हार्ट में पल्पिनेशन हो रही है उसको कंट्रोल करने में, अगर ज्वाइंट पेन्स में पेन हो रही है तो वहां से आप इसको मसाज देकर ज्वाइंट पेन्स को वो कर सकते हैं, वेरिकोन वेन्स है उसके ऊपर मसाज देकर वेरिकोन वेन्स को भी रिलैक्स कर सकते हो। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जो वो बेनिफिट्स आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं डॉक्टर फ्रीदा के थ्रू। तो वो आपको एक एक चीज बताएंगे कि कैसे हमें फेस पे यूज करना है, कैसे हम इसके लेजर को यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसके बैक साइड को यूज कर सकते हैं। मुझे भी मालूम नहीं था कि हम इसके बैक साइड से भी यूज करके इसके बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिन लोगों को अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना है और हाई प्रेशर और हैवी स्ट्रेस से रिलीफ लेना है, हेडेक और डिजीनेस को कंट्रोल करना है, तो उन सब के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है कि ये किस तरीके से बना हुआ है, कैसे कैसे ये काम करता है, ये जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, स्क्रीन डिस्प्ले है, वाइब्रेटिंग मसाज स्विच है, रिटर्न सर्किट सर्कल है, मेन स्ट्रक्चर है, बॉटम कवर है, बैटरी ओपनिंग स्विच है, लेजर है और कंटेक्ट है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर है, और ये हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है, कोई और कंपनी इसको नहीं बना सकती, ये हमारा अपना इन हाउस पेटेंट प्रोडक्ट है, तो ये सबसे बढ़िया बात है। अब इसको यूज करने के तरीके यहाँ पे दिए गए हैं कि आप मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो, आप हेड के ऊपर यूज कर सकते हो, आप ज्वाइंट पेन्स के पास यूज कर सकते हो, स्टमक वैली के ऊपर यूज कर सकते हो, बैक बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर हम इससे मसाज ले सकते हैं, और अपने आर्म पे, एंकल्स पे इनको यूज कर सकते हैं। तो यूज करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है, हेड केयर ऑपरेटर्स को आप 15 से 30 मिनट पर टाइम, 1 to 2 times पर डे कॉम के रूप में यूज करना है, आगे से लेके पीछे की तरफ आपको लेके जाना है, साइड लाइन टू मसाज करनी है, फॉलो द मिडल लाइन एंड 4 साइड लाइन, पहले मिडल लाइन
लाइन में करनी है, फिर चारों दोनों साइडों पे, और पहले मिडल में करना है, उसके बाद बाकियों पे करना है आपको। तो ये आप लोअर कर सकते हैं प्रेशर को, और इसी तरीके से बैक। फिर मुझे लग रहा है कि मैडम इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। अभी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ डॉक्टर रही है, फ्रीदा, मैम क्लियर है क्लियर है क्लियर है आवाज आपकी। हेलो, डॉक्टर फ्रीदा मैम आवाज आ रही रुक, है? मुझे लग यस रहा है कि रुपेश सर, इंटरनेट यस का थोड़ा रुपेश सा सर, प्रॉब्लम चल रहा है, बट आवाज जिसकी वजह क्लियर है। से आप मोबाइल आवाज ठीक आ रहा का? है मैम? जी जी ठीक आ रहा है। चलिए, अः ये तो था मल्टीफंक्शन हेड केयर के बारे में। इसके अंदर लेजर हेल्थ केयर है, वाइब्रेटिंग मसाज है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, बैलेंस ब्लड प्रेशर है, मैसल सॉटूथ है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। उसके बाद आज जिस चीज का हम डेमोस्ट्रेशन और थेरेपी कैसे लेनी है, ये कैसे बेनिफिट करता है, इसके बारे में बताएंगे। म्यूजिकल ये कुशन है जो आपको म्यूजिक भी देगा और कुशन में वाइब्रेशन भी देगा, इसका क्या बेनिफिट होता है, और ये सारी चीजें आज हम डेमोस्ट्रेशन के साथ जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये तो मैंने ओवरव्यू दिया आपको। अब ओवर टू हम लोग जाएंगे आप डॉक्टर फ्रीदा के पास। तो डॉक्टर फ्रीदा, आज हम आपको ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मैंने 20 मिनट में आपने तीनों चारों प्रोडक्ट को कंपाइल किया है, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली, अपने जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको प्रैक्टिकली इन सब चीजों का बेनिफिट दिखा सके, बता सके। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों का कहना है कि वॉइस क्लियर नहीं है मैम। मैं 1 मिनट, तो कुछ लोगों का अभी आ रही है वॉइस? यस लोग बोल रहे हैं, यस। चलिए ठीक है जी। अब डॉक्टर फरीदा, ओवर टू यू। हाँ अब जी आप इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, मेरे को लग रहा है आज। सर, मैंने आपको एक पीपीटी भेजी थी सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, तो अगर वो भी आप थोड़ा पढ़ देते तो जी लोगों डेफिनेटली, को। मैं हाँ, वेरी ट्रू। मैं बस 2 मिनट दो मेरे को, मैं पढ़ के फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी चलिए जी, एक एडीज सैनिटरी नैपकिन है जिसके बारे में आज हम आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ और फिर हम लोग डॉक्टर फरीदा की तरफ चलेंगे। चलिए, इसको मैं शुरू करने से पहले बता देता हूँ। सर्विक कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, बेसिकली लेडीज में WHO की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि मैक्सिमम लेडीज को सर्विक कैंसर की प्रॉब्लम होती है, और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा है कि हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। रीजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, हम लोग मुझे लग रहा है कि हमारी मेरी साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को साउंड अच्छी आ रही है तो प्लीज आप एक बार चैट में मेंशन करें, सो दैट मैं इसको कंटिन्यू करूं, नहीं तो फिर मैं फरीदा मैम को बोलूंगा कि वो इसको कंटिन्यू करें।